हेलो गाइस, वेरी वेलकम टू द गाइड लीग। तो दिस इज स्पेशल क्लास 3। ओके, सो न्यू पैटर्न के ऊपर जो हम लोग की सीरीज चली है ना, उसका ये स्पेशल क्लास 3 है। और आज एक डाटा इंटरप्रिटेशन कराएंगे जो कि आपकी न्यू पैटर्न पे होगी। ओके, सो न्यू पैटर्न की क्लास, अगर ये आपको अच्छी लग रही है, अगर ये सीरीज अच्छी लग रही है, तो गाइज इसको जरूर देखिए। 6 PM पे अपलोड होती है और अल्टरनेट पे होती है। एक दिन न्यू पैटर्न कराते हैं, एक दिन बेस्ट ट्रिक कराते हैं। बेस्ट ट्रिक का जैसे आपने कल देखी थी, आपको क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन मिले थे, ऐसे ही आज न्यू पैटर्न आपको मिलेगा। फिर अगले दिन फिर से आपको न्यू पैटर्न एंड देन फिर बेस्ट ट्रिक, ये आपका पूरा सीक्वेंस चलेगा 6 PM की क्लास का। ये रिकॉर्डेड रहेंगे। ओके, एंड 5 PM पे मेंस के लिए लाइव सेशन होते हैं, तो गाइज उसको जरूर देखें आप लोग, जरूर। ओके, चलिए, तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया अभी स्टूडेंट्स ने, वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसको, एंड देन नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना गाइज। ओके, तो देखते हैं इधर पे क्या स्पेशल है, क्या न्यू पैटर्न है, किस तरह से हम इसको करते हैं। ओके, ईजी है होगा ये। तो ये कुछ आपके सामने ग्राफ है, आपको लगेगा जरूर कि डर लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फिजिक्स से रिलेटेड DI है, फिजिक्स बैकग्राउंड वाले जो होंगे वो ईजिली कर लेंगे यार, 9th-10th में ये सारी चीज़ें आती थी। ओके, और 9th-10th में तो आई थिंक सबने ही साइंस एंड फिजिक्स पढ़ी होगी। तो देख लेते हैं। इन जनरल एक्सेलरेशन रिफर्स टू स्पीडिंग अप, द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव व्हेन द ऑब्जेक्ट इज स्पीडिंग अप। ठीक है, तो जब स्पीड बढ़ती है तो उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, जब वो पॉजिटिव होता है। एंड द नेगेटिव व्हेन स्पीड डाउन, जब स्पीड को हम डाउन करते हैं तो वो नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को कैसे डिनोट करते हैं, V - U/T। तो ये आपका फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का। ये फॉर्मूला कैसे होता है उसको मैं बता देता हूँ। A = होता है V - U/T। ओके, एंड दिस इज इसका यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है गाइस। ओके, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब व्हाट इज A इज द एक्सेलरेशन, व्हाट इज V इज द फाइनल स्पीड, What is U? Final velocity. What is U? U is the initial velocity and T is time taken to complete this journey. यानी जिस भी journey को उधर पे बोला गया है वो, ठीक है? So when V is referred, where V is referred to the final velocity in meter per second, जैसा कि हमने बताया, speed है, velocity है, उसको meter per second में ही denote करेंगे. And U is referred to initial velocity in meter per second and T is time taken in second. और T जो होता है वो second में होता है. This is meter per second, this is meter per second and second आपका पहले से है इधर पे, तो meter per second square हो जाता है इसका unit किस का, एक्सेलरेशन का। ओके, सो ये थोड़ा सा आपको बता दिया मैंने। और क्या है, द ग्राफ गिवन बिलो शो द इनिशियल एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो एक्स एक्सिस पे क्या है आपकी इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम यू बोलते हैं, और वाई एक्सिस पे क्या है आपकी फाइनल वेलोसिटी जिसको हम वी बोलते हैं। ओके, एंड टाइम से रिलेटेड कुछ नहीं दिया है, वो हमको क्वेश्चन में मिलेगा। ओके, सो ये वेलोसिटीज आपको दी गई हैं, जैसे मैं बता दूं, दिस इज 0, दिस इज आपका 1 होगा, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, ये 5 है आपका। ओके, एंड दिस इज 4 है आपका, ये आपका 4 हो जाएगा, ये यू की वैल्यूज निकल रही है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो दिस इज इधर पर 10 होगा, 20, 30 होगा। अब ये 30 तो नहीं होगा, ये आपका कितना हो जाएगा फिर, 25 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ये आपका 80 हो जाएगा। एंड देन ये आपका कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो ये पूरा ग्राफ हमको समझ में आ गया गाइस, क्वेश्चन आ जाते हैं जल्दी से। तो देखो ये क्वेश्चन दिया है, ये पूरा डेटा मैंने आपको जैसा कि जैसा दे दिया है, और ये आपको छोटा बना दिया है इधर पे, देख लेते हैं। इज द रॉक एंड इट फॉल ऑफ फ्रॉम अ क्लिफ, एक क्लिफ से रॉक जो है वो ई रॉक जो है वो आता है, दुड़कता हुआ है, लुढ़कता हुआ है। तो ई क्या है, ये है। तो इसके लिए वी की वैल्यू क्या है, इसके लिए वी की जो वैल्यू है दिस इज 120 मीटर पर सेकंड। और यू की वैल्यू क्या है, इसके लिए यू की वैल्यू है दिस इज 15 एंड 14 एंड 16 के बीच में है, तो दिस इज 15 है। ओके, एंड इट फॉल्स फॉर 15 सेकंड्स बिफोर इट हिट द ग्राउंड, जब वो हिट होता है ग्राउंड में तो वो कितना टाइम लेता है उसको, 15 सेकंड लेता है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन बिफोर इट हैड हिट द ग्राउंड। तो देखो एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, V - U/T, है ना। सो टी कितना है गाइस, टी के लिए 15 दिया है, वी की वैल्यू कितनी है 120, माइनस यू की वैल्यू कितनी है गाइस, यू की वैल्यू 15 है, अपॉन में कितना आ जाएगा 15, 15 से दिस इज 8 टाइम, 15 से 1 टाइम, तो 8 - 1 कितना हो जाएगा 7। और इसका यूनिट क्या होता है एक्सेलरेशन का, मीटर पर सेकंड स्क्वायर गाइस। ओके, सो दिस इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगले में देखिए क्या है, ए एंड बी आर स्पोर्ट कार ट्रेवलिंग एट एन इनिशियल वेलोसिटी। ओके, सो दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो ए के लिए यू एंड वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू एंड वी की वैल्यू, ए के लिए यू की वैल्यू हो जाएगी दिस इज 4 एंड दिस इज 80, तो दिस इज 4 एंड दिस इज 80, एंड दोनों मीटर पर सेकंड में आपकी, किसमें, मीटर पर सेकंड में। ओके, अगर मैं बी के लिए बात करूँ तो यू और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी के लिए यू की वैल्यू हो जाएगी 5। ओके, एंड वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 30 नहीं है, 30 तो इधर पे आता है आपका, ये 30 से नीचे 20 के ऊपर, यानी कि दिस इज 25 एंड दिस इज ऑल्सो मीटर पर सेकंड। ओके, मीटर पर सेकंड। ओके, आगे देख लेते हैं। सो निकालना क्या है, फर्दर पास्ट 10 सेकंड, फर्दर पास्ट 10.0 है ना, तो 10 सेकंड बोथ द कार कंटिन्यू एट द कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी यानी कि कहीं ना कहीं इधर पे एक्सिलेशन निकलने वाला है, तो कैलकुलेट द डिफरेंस इन द एक्सिलेशन ऑफ द कार। तो इसका एक्सिलेशन A1 आएगा, इसका एक्सिलेशन A2 आएगा, तो A1 कितना आएगा, दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू अपॉन T, तो दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू अपन कितना आ जाएगा, T आ जाएगा, तो T की वैल्यू कितनी है, 10 है।
टेन इधर पे सेकंड दिया, यहाँ पे एक्सीलेशन दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू अपॉन टी, तो ये कितना हो जाएगा आपका 20 बाय 10, तो दिस इज आपका कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ कितना आएगा 0 से 0 दिस इज 0.4, और इसको इसमें से लेस करेंगे तो 7.6, डिफरेंस बताना था ना, 7.6 में से 2 जाएगा तो 5.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज अवर आंसर गाइस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस डीआई, न्यू पैटर्न आपको शो कराना है, न्यू पैटर्न से आपको इंट्रोड्यूस कराना है और उसकी अप्रोच बताना है, इसलिए हम लोग ने ये सेशन चालू किए हैं। ओके सो देखो, फाइंड द एप्रोक्सीमेट एवरेज एक्सीलरेशन ऑफ द 5 ऑब्जेक्ट्स इफ द टाइम टेकन इज 10 सेकंड फॉर द ईच ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो देखो यहां पे एवरेज एक्सीलरेशन निकालना है और टाइम कितना दिया है, टी की वैल्यू जो है वो 10 सेकंड है एवरीवेयर, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट के लिए। तो ए का एक्सीलरेशन और बी का एक्सीलरेशन हम 10 सेकंड से ऑलरेडी निकाल चुके हैं इन क्वेश्चन नंबर 2। देखो ए का एक्सीलरेशन टाइम कितना था इधर टी, बी का एक्सीलरेशन टाइम कितना था टी, तो ए का कितना आया था 7.6 और बी का कितना आया था, दिस इज आपका आया था बी का आया था 2, सो दिस इज 2, तो ये तो आ गया। सी डी और ई का निकालना है हमको, तो सी का निकालेंगे, यही निकालते हैं, तो दिस इज आपका वी कितना है यहाँ पे, वी आपका 110 और यू कितना है, अगर मैं यू देखूं तो 7। ओके 7 लेस कर देंगे, v माइनस यू अपॉन t, t कितना है 10, 0 से 0 दिस इज आपका 0.7, 10 में से 11 में से 0.7 जाएगा तो कितना बचेगा 10.3। ओके अब निकाल लेते हैं d, d के लिए क्या है, दिस इज 100 एंड दिस इज 10, तो 100 माइनस 10 अपॉन में कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, v माइनस यू अपॉन t, t की वैल्यू कितनी है 10 सेकंड है, तो ऐसे ही कर लेते हैं, दिस इज 0 दिस इज 0, 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, सो यहां पे कितना आ जाएगा 9, दिस इज ऑल इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर बिकॉज एक्सेलरेशन आ रहा है। अब अगर e की बात करें तो दिस इज आपका 120 हो जाएगा और दिस इज आपका 15 हो जाएगा और 10 से हमको लेस करना है तो 0 से 0 ये आपका कटोगा 1.5, तो 12 में से 1 जाएगा तो 11, 11 में से 0.5 जाएगा तो दिस इज 10.5। अब इसका एवरेज चेन है तो इन सबको प्लस कर लो, 5 से डिवाइड कर लेंगे, इन सबको प्लस करेंगे तो दिस इज आपका कितना हो रहा है, दिस इज 6, 3 एंड 5, ये कितना हो जाएगा आपका 1.4 यानी 0.4 आ जाएगा, 1 पूरा चला जाएगा, तो दिस इज 8 एंड 2 10, 10 एंड 10 कितने होगा आपके 8 अपॉन में कितना आ जाएगा 10, सो 10 इधर पे दे देंगे तो दिस इज 7.88। हमें क्या निकालना था, अप्रोक्सीमेट एवरेज निकालना था ना, तो दिस इज आपका 7.88 ले लो या 8 ले लो, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज अवर आंसर गाइस। ओके सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा न्यू पैटर्न हमको कैसे सॉल्व करना होता है और कैसे इसकी अप्रोच होती है, और अगर ऐसा आएगा तो आपको डरना नहीं है, आपको सिर्फ उसके अंदर जाना है, चीजों को समझना है एंड देन डन। ओके सो गाइस शेयर एंड लाइक जरूर करना इस पर्टिकुलर सेशन को, और अगर आपको ऐसे सेशन और चाहिए तो 6 PM पे आप विजिट कीजिए फॉर द रिकॉर्डेड सेशन एंड 5 PM पे आप मेंस के लिए लाइव सेशन पे आइए और अपने डाउट क्लियर करिए। ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए टाटा एंड टेक केयर।